द्वारका सेक्टर 3 स्थित मधुविहार सोलंकी मार्केट में रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रमुख बहन रूपा ने उपस्थिति लोगों को रक्षा सूत्र बांध कर ईश्वरीय आशीर्वाद दिया। बहन रूपा ने बताया कि वे तो ईश्वर की ओर से निमित्त मात्र है तथा उन्हीं के आदेश से मैं आप सभी को रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। बहन रूपा ने रक्षाबंधन बांधने के बाद प्रत्येक सदस्य से अपनी कोई एक बुरे व्यसन को छोड़ने का संकल्प कराया। यहाँ जो बहने आई है उन्होंने सभी को राखी बांधी। आज जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमारी बहन रूपा जी हर साल की भांति आती है, जो कि ब्रह्म कुमारी से है, और हमें जैसे बोलते हैं भाई राखी बांध के बोलते हैं भाई ये रक्षा कवच भाई के लिए अगर मनाया जाता त्यौहार, तो मैं बहनों से यही कहता हूँ चारों तरफ में, क्योंकि ब्रह्म कुमारियों के अंदर में समय समय पर कोई भी कार्यक्रम होते हैं ये हमें बुलाते भी हैं, और हम भी ये बोलते हैं बहनों से अगर किसी भी रूप से भाई की जहाँ आवश्यकता होती है क्षेत्र में विकास के मामले में तो ये बताएंगे तो मैं उसको भी अगर कराता हूँ। और इनका जो मार्गदर्शन है जो समाज के लिए देश के लिए देश हित के लिए वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि हम मांटा बूटे भी गए हैं, इंसानियत से गाना इनका अगर कर्तव्य है माँ बहन बेटियों को भाई कैसे सभ्यता में रहना चाहिए, और ये पैसे के लालच से कभी वो नहीं करते हैं, ये तो सिर्फ त्यौहार पे आती हैं, तो सभी भाइयों से बहनों से एक अनुरोध करती हैं भाई जो भी अपने अंदर बुराई है वो बुराई को त्यागो, जैसे किसी में कोई गुस्सा है तो वह गुस्सा ना करे गुस्से को त्यागो, कोई नशे की लत है तो वो ना करके उसको त्यागो। तो मैं तो इन बहनों से इतना खुश हूँ, और जो अपनी मधुविहार वार्ड के जो पालम विधानसभा के जो गणमान्य लोग होते हैं हर साल की भांति प्रधान वगैरह साथ आते हैं और मार्गदर्शन भी कराते हैं राखी बंधवाते हैं, और आगे जैसे इनका मार्गदर्शन होता था उस पर गौर भी करती है। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक ऐसा प्रेम का पवित्र बंधन है जो एक भाई और बहन के रिश्ते के अंदर बंधता है, जिससे कि एक भाई और बहन के प्यार को उजागर करता है। लेकिन ये बंधन एक ऐसा पवित्र त्यौहार भी है कि जरूरी नहीं कि आपकी बहन ही आपको राखी बांधे और आप जिससे राखी बंधवा रहे हो वो आपका भाई ही हो, जिससे भी आपकी एक प्यार और निष्ठा है पवित्रता है, और आप जब भी कोई सेवा भाव रखते हैं तो आप उससे राखी बंधवाएं और हर किसी की को अपनी बहन की तरह देखें और उसके सुख सुविधाओं के लिए उसकी रक्षा के लिए आप कार्य करें। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। बिहार सेवा केंद्र पर सेवा करते हैं हम, परमपिता परमात्मा की ओर से ये राखी बांधने के लिए आए हैं, संस्था की ओर से हम राखी बांधने के लिए आए हैं। हमें यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी आत्मा के नाते से भाई है, कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो यहाँ भाई भाई भाईचारा होगा तो इस विश्व को हम एक कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर सभी अलग अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सब में देह अभिमान है बॉडी कॉन्शियस है, तो आत्मिक स्थिति में लाने के लिए हम तिलक लगाते हैं और मुख मीठा कराते हैं ताकि सभी मधुर बोल बोले, नम्रता से बोले, एक दूसरे से प्यार से बोले, एक मिलनसार रहे, इसलिए मीठा खिलाते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम राखी बांधते हैं क्योंकि एक प्रतिज्ञा कराते हैं कि कोई अपने अंदर की कमी कमजोरी है उसको परमात्मा को दान दे, मुझे ना दे वो परमपिता परमात्मा को दान दे, इसलिए हम लोग ये राखी बांधते हैं।